नमस्कार। पिथौरागढ़ से आज के मुख्य समाचार। लगातार बढ़ती गर्मी व तापमान में हो रही वृद्धि के साथ ही जंगलों में आग लगने की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिले में अभी तक आग लगने की 33 घटनाएं हो चुकी हैं। जंगलों में लगी आग पर काबू पाने के लिए वन विभाग बेहतर तैयारियों के साथ कार्य में जुटा हुआ है। विभाग द्वारा अपने सूचना तंत्र को मजबूत बनाने के लिए वायरलेस के जरिए फील्ड कर्मचारियों तक सूचना पहुंचा रहा है, जिससे कि आग पर शीघ्र काबू पाया जा सके। इस कार्य में फॉरेस्ट गर्ल टीम लगातार रात दिन फील्ड कर्मियों को वायरलेस के माध्यम से दिशा निर्देश देने में जुटी हुई हैं। वन क्षेत्र अधिकारी दिनेश चंद जोशी ने बताया कि सूचना तंत्र को मजबूत करने के लिए वायरलेस टीम लगातार कार्य कर रही है। वायरलेस टीम में वन आरक्षी प्रियंका पंत, विमला बोनाल, किरण नगरकोटी, प्रियंका पांडे शामिल हैं। आगामी वर्षा काल के दौरान किसी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए सभी विभाग 15 अप्रैल से पूर्व अपनी कार्य योजना तैयार कर लें और तहसील स्तर पर कंट्रोल रूम का संचालन भी शुरू किया जाए। यह निर्देश आज जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने मानसून सत्र की तैयारी बैठक के दौरान अधिकारियों को दिए। डीएम ने तहसील स्तर पर आपदा प्रबंधन को मजबूत करने, आपदा से निपटने के लिए आवश्यक उपकरण व सामग्री की डिमांड, नदी नालों के आसपास संवेदनशील स्थलों का चिन्हीकरण, मनरेगा से हेलीपैडों का सुधारीकरण के निर्देश संबंधितों को दिए। खासतौर पर धारचूला मुंशियारी डीडीहाट तहसील में सैटेलाइट फोन, वुडन गटर, आस्का लाइट, सर्च व हेडलाइट सहित अन्य आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। लोनी भी पीएम जीएसवाई, बीआरओ व अन्य सड़क संबंधी विभागों को भी वर्षा काल के दौरान सड़क बंद होने पर उन्हें शीघ्र खोलने आदि के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। साथ ही जर्जर पुल, ट्रालियों को चिन्हित कर समय से रिपेयर करने, जहां नदी में ट्राली की आवश्यकता है उसका सर्वे करते हुए प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश भी संबंधित को दिए। खाद्यान्न आपूर्ति के लिए भी स्टॉक रखने के निर्देश दिए गए। पेयजल व विद्युत आपूर्ति को सुचारू रखने के लिए विभाग को उचित कार्रवाई के निर्देश जारी किए। बैठक में पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह, संयुक्त मजिस्ट्रेट नंदन कुमार, एडीएम एफआर चौहान सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे। पिथौरागढ़ के बीण विकासखंड के कुचगाड़ में आज खनन न्यास निधि से 20 लाख की लागत से बने मंदिर भवन का जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोरा व जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान द्वारा संयुक्त रूप से पूजा अर्चना के साथ विधि विधान से लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर उकरान वरिष्ठ नेता काशी सिंह ऐरी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष वीरेन बोरा, भाजपा नेता सुरेश जोशी, कैलाश कोहली, कोमल मेहता सहित कई लोग मौजूद थे। जंगलों को आग से बचाने को लेकर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता अभियान के तहत ग्रामीणों को शपथ ग्रहण कराई जा रही है। इस अभियान में वन प्रभाग के सहयोग से सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था थिएटर फॉर एजुकेशन इन मास सोसाइटी टीम द्वारा ग्रामीणों को जागरूक करने के साथ वनाग्नि की रोकथाम के लिए शपथ ग्रहण कराई जा रही है। संस्था द्वारा 2 दर्जन से अधिक गाँव में जागरूकता अभियान चलाया जा चुका है। अभियान लगातार जारी है। जागरूकता अभियान में डॉक्टर तारा सिंह, महेश बराल, योगेश पाठक, डॉक्टर विनोद बिष्ट, किशन खड़ायत, जमन सिंह द्वारा जिला मुख्यालय के गाँव सहित मुंशियारी तहसील के गाँव में भी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। प्रभागी वनाधिकारी डॉक्टर कोको रोसे ने भी वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए इस तरह के जागरूकता आयोजनों को आवश्यक बताया। उन्होंने संस्था द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान को भी सराहा है। फॉरेस्टर त्रिलोक सिंह राणा ने बताया कि संस्था द्वारा वनाग्नि को रोकने को लेकर संस्था लोगों को जागरूक करने के साथ ही आग से होने वाले नुकसान के बारे में विस्तार से बता रही है। संस्था के कार्यक्रम संयोजक मुकुल पाठक ने बताया कि संस्था द्वारा अभी तक 2 दर्जन पिथौरागढ़ और मुंशियारी के गाँव में जागरूकता अभियान चलाया गया है। हमारे जंगल में आग लगती है तो पेड़ सब सूख जाते हैं, पत्तियां सूख जाते हैं, गाय बकरियां भैंस उनके लिए चारा नहीं होती है। तो हम जब आग लगती है तो सब लोग महिलाएं सब बुझाने के लिए जाते हैं। हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े, समाचार सुने। धन्यवाद।